हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को मैं एक कन्फ्यूज दूर करना चाहता हूँ जियो फोन को लेके, कि कौन सा जियो फोन ले, मार्केट में कौन सा जियो फोन अच्छा होगा। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ये देखिए, जियो फोन जो है ये 320 मॉडल है, जियो 220, जियो 320, जियो ये कार्बन का K1 4G है, और ये है खुला हुआ जियो फोन 220 मॉडल। आप लोग कन्फ्यूज में होंगे कि कौन सा जियो फोन ले, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी सेट लें। देखिए ये जो जियो फोन 220 है, कोई दुकानदार बताएगा नहीं, मैं बता देता हूँ कि ये रिपेयरिंग मोबाइल है डब्बा में ही, लेकिन रिपेयरिंग मोबाइल है, मतलब ये पूरा सील नहीं होता, ये पूरा सील आपको ये नहीं मिलेगा दोस्तों, ये पूरा सील ही आता है इस तरह का डब्बा में, पूरा प्लास्टिक सेट रहता है, इसमें IMEI नंबर तंबर सभी रहेगा, लेकिन ये मोबाइल नया नहीं है। इसको हम लोग मिस्त खोल के देखते हैं तो पता चलता है ये रिपेयरिंग मोबाइल है, जियो 220। इसके बाद आता है ये जियो 320। जियो 320 भी, ये भी देखिए आप लोग को मैं बता दूं, ये भी रिपेयरिंग मोबाइल है। देखिए आप लोग, ये भी रिपेयरिंग मोबाइल है। देखिए इसका जाली देखिए किस तरह से, देख के लग रहा है कि रिपेयरिंग है, मतलब ये जब से जियो बंद हो गया ना दोस्तों, तब से ये मार्केट में रनिंग हो गया ऐसा मोबाइल। ये लोकल आसपास के मतलब आदमी के द्वारा ऐसा बनाया जाता है, ये कंपनी से डायरेक्ट नहीं आता ऐसा मोबाइल। ये बैटरी में दूसरा लगाया है, उसका बैटरी इसमें भरा हुआ है। ये देखिए 320 है ये। इसके बाद आता है ये देखिए सबसे कम दाम वाला, ये आपको 400 से 500 रुपये मार्केट में मिल जाएगा। ये भी लूज मोबाइल है, ये फ़ोन करने के लिए आप लोग ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी आपका जियो 320 है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अभी जो आता है लेटेस्ट मोबाइल, ये जो है ये मोबाइल दोस्तों, ये है जियो के द्वारा लॉन्च किया हुआ लेटेस्ट मोबाइल। अभी जो ओरिजिनल जियो जो है यही है। इसमें भी क्या है कि आप इसमें सिर्फ देखिए 5C बैटरी डाल सकते हैं, एक चिप का जगह एक मेमोरी लगा सकते हैं, एक सिम। देखते हैं मैं इसमें बैटरी डाल के आपको दिखाता हूँ। ये कार्बन का K1 4G मोबाइल है, बैटरी में दूसरा डाला, इसमें बैटरी डाला हुआ है, कंपनी के द्वारा भी यही निकला है। इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं दोस्तों, जियो सिनेमा, जियो सावन, और बोला जाता है SD कार्ड अप टू 128 GB लिखा हुआ है, 1000 mAh का बैटरी है दोस्तों। ये सिर्फ फ़ोन में अगर करते हैं तो उसके लिए मोबाइल अच्छा है आपका, अगर सिर्फ फ़ोन करते हैं तो उसके लिए मोबाइल बेस्ट होगा। देख सकते हैं दोस्तों, सब पीछे का ऐसा लुक है, K1 4G है। यही जो है कंपनी के द्वारा निकाला गया है, ये जो है 320 220, ये खुला मोबाइल, सब ये सब यूज मतलब रीयूज मोबाइल है दोस्तों। सब देखिए भारत K1 4G निकला है। इसमें आपको YouTube नहीं मिलेगा, WhatsApp नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें हाँ अपडेट करने के बाद अपडेट का ऑप्शन दिया है। अपडेट करने के बाद अब इसमें जियो पे मतलब मनी ट्रांसफ़र या मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। आप लोग कौन सा सेट लें दोस्तों? तो आप लोग अगर सिर्फ फ़ोन करने के लिए सिर्फ इमरजेंसी में लेना चाहते हैं तो ये खुला वाला ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने का शौक़ है तो आप लोग 220 या ये दोनों ये सब ले सकते हैं, लेकिन ये सब याद रखिए दोस्तों, जितना भी सील रहे ये सब रीयूज्ड मोबाइल होता है दोस्तों, मतलब वो आपको कंपनी के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता है, वो लोकल बनाया जाता है दोस्तों। इसको देखिए, उसका बैटरी से भी दूसरा बैटरी से ऑन नहीं हो रहा, मैं कार्बन का बैटरी डालता हूँ इसमें। ये कार्बन कंपनी द्वारा जियो के साथ
मार्च करके शायद बनाया जाता है या तो उससे कांटेक्ट करके किया गया है। ज़्यादा पुराना भी नहीं है दोस्तों, ये देखिए 6/2023 का बना, 1999 रुपये नाम लिखा हुआ है, 999 रुपये लिखा हुआ है साथ। देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम दूसरा बैटरी डालें तो सेट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसमें इसमें और एक चीज़ है कि आप इसमें मान लीजिए आपके पास पहले से सिम है तो वो डाल के अपनी चला सकते हैं। इसमें 123 रुपीस रिचार्ज करके नया सिम डालना पड़ेगा, तब जाके इससे फ़ोन इनकमिंग आउटगोइंग होता है, नहीं तो फिर ये इनकमिंग होता है आउटगोइंग नहीं होता है। ये भी नया चीज़ निकला गया दोस्तों जियो के द्वारा। देखिए आप लोग सोचिए आप लोग कौन सा ले सकते हैं, कौन सा आप लोग को अच्छा लगता है। धन्यवाद।